16 संस्कार का द्वितीय सत्र पुंसवन संस्कार, जो रक्षण और वृद्धि का प्रतीक है। आप सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ अनुभव करते हैं? आप कहेंगे पिता या पति के साथ जब हम हैं तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होने का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में कहा जाता है जब हम गुरु और प्रभु के पास है तो हम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। सोचिए थोड़ी देर के लिए, कितनी सुंदर अनुभूति है जब आप माँ के गर्भ में हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। माँ खाना खाती है, वो भोजन उस बालक तक पहुँचता है। माँ श्वास लेती है, उस बालक तक वो श्वास भी पहुँचती है। प्रकृति के हर एक प्राणी मात्र अपने संतान की रक्षा और अपने संतान की वृद्धि करना जानते हैं। जैसे मुर्गी अपने बालक की रक्षा और अपने बालक का पोषण स्पर्श के द्वारा करती है, जैसे मछली दृष्टि के द्वारा, और कछुआ केवल स्मरण मात्र से, केवल याद करके ही अपने बालक का रक्षण और पोषण करता है। तात्पर्य, पूरी प्रकृति तरंग के लहरों को जानता है और तरंग के लहरों को मानता है। इसी के साथ हम हर दिन बालक को आशीर्वाद के रूप में तरंग भेजते रहे, सदा हमेशा आशीर्वाद के रूप में तरंग बालक तक पहुंचते रहे। इस हेतु आप पुंसवन विधि का यज्ञ भी कर सकते हैं। राम रक्षा, देवी कवच और हनुमान चालीसा का पाठ करके आप बालक तक वो तरंग पहुंचा सकते हैं, आशीर्वाद पहुंचा सकते हैं। मान्य है कि बालक अब आपके मंत्र के उच्चार, उस शब्दों को सुन नहीं पाता, क्योंकि इस स्थिति में गर्भ में वो तो केवल एक मांस के पुतले के समान है, पर आपके मंत्रोच्चार और मंत्रोच्चार द्वारा तरंग उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जरूर करेंगे। अगले शुक्रवार की वीडियो में हम सीमंतोनयन संस्कार के बारे में जानेंगे, और तब तक के लिए आप सबको स्नेह भरा नमस्ते।